आपने देखा होगा कि जब पुराने घर होते थे, पुराने ज़माने में पुराने घर बने होते थे, उन पुराने घरों में हम रह रहे होते थे, उसकी मिट्टी की दीवारें होती थी, मिट्टी के बने होते थे बाले। फिर क्या हुआ, फिर हमारे आसपास में हुआ ये कि हमारे हमसायों ने पक्के घर बनाना शुरू कर दिए। हमें पता लग गया कि ईंटें आती हैं, सीमेंट आता है, लेंटर पड़ते हैं, टीयर गार्डर का ज़माना आया। तो हमने क्या किया, हमने भी अपने हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से डाउन होता गया और जो नए बनते थे वो ऊपर होते गए, और वो जिद्दत आती गई और लोगों ने अपने घरों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। अगर हमने और हमने क्या किया, हमने भी साथ साथ फिर उनकी तरफ देखा देखी अपने घर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, और हमारा भी मार्केट वैल्यू रेट बढ़ना शुरू हो गया, हमारा घर भी दुनिया के साथ मिलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने ना तो अपना घर बदला, ना ही ज़माने के साथ चले, यानी आसपास उनके बहुत बड़े बड़े घर भी बन गए, लेकिन उन्होंने अपना घर वहीं का वहीं रखा, तो वो ऐसा ऐसा डाउन हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू भी डाउन हो गई, उसके बाद उसका रेट भी डाउन हो गया, और एक वक्त आया कि वो बारिश में बसीदा हो गया और वो घर ही उसके ऊपर गिरा, और वो उनसे जो है वो सारा नुकसान हो गया, उनका माली और जानी दोनों। इनको इस चीज़ को अगर हम बारीकी से देखें तो ये ज़िंदगी में भी लागू होती है। हमारे आसपास हम एक ज़माने में रहे, एक माशरे में रहे, आसपास का माशरा इंटरनेट की दुनिया में चला गया, दुनिया के साथ साथ चला गया, बढ़ता गया, नित नई चीज़ें आती गईं, आईफोन आए, मोबाइल्स की नई नई वैरायटीज़, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़माना चला गया। जिन लोगों ने अपने आप को साथ साथ अपग्रेड कर लिया वो तो आज दुनिया में राज कर रहे हैं, वो तो दुनिया में पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे जिन्होंने सेम उस घर की तरह के, वो जो घर था उन्होंने अपना नहीं बदला, वो उसी में ही रहे, तो ऐसा ऐसा डाउन जाते गए। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ लोग आपने आज भी देखे होंगे कि वो ना आगे बढ़ने की सोचते हैं, उनका मकसद आज भी यही है कि रोटी पूरी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, रोज़ाना दो वक्त की रोटी मिल जाए और सुकून की नींद आ जाए, इसके अलावा उनको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। एक वक्त आता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती है और उनको बटनों वाला मोबाइल भी चलाना नहीं आ रहा होता, और ये फिर उसके बाद उनका बिजनेस का, जॉब का, काम का, माशी, वो भी कोई नित नया नहीं होता, वो पुराने तरीके पे ही काम कर रहे होते हैं, और वो पुराने तरीके पे काम करते 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 एक वक्त आता है कि उनका एंड हो जाता है, और जब वो एंड हो जाता है वो किस्मत को दोष दे रहे होते हैं, वो मुकद्दरों को दोष दे रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो किसी तरक्की करने से आपको किस्मत ने रोका, ना ही मुकद्दर ने रोका। अगर आप अपने घर को, यानी अपने आप को एक घर की जगह रखें, आसपास की दुनिया तरक्की कर रही है, तो आपका तरक्की करना फ़र्ज हो जाता है, बल्कि लाजम हो जाता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप डाउन होते जाएंगे वैसे वैसे आपका नुकसान होता जाएगा, और ज़िंदगी की दौड़ से बहुत पीछे रह जाएंगे, और वो चीज़ें जो ज़िंदगी में आप हासिल भी कर सकते थे उन चीज़ों को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में किस्मत और मुकद्दर को दोष देने की बजाय अपने आप को फोकस करना शुरू कीजिए।